हसन ब्रदर वटनरी एंड एआई सेंटर चिड़हन में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमा राजा मसूदुररहमान एडवोकेट, सदर तकरीब राजा रिजवान गालब, जबकि मेज़बानी के फ़राज़ राजा करीमदाद ने अदा किए। अवामी इलाका की बड़ी तादाद ने आने वाले मेहमानों को वेलकम किया। एआई सेंटर चिड़हन का मकसद अवाम में ज़राअत के शोबे और जानवरों की देखभाल को फ़रोग देना है। इनके इलाज मुआलजे के लिए कायम की गई है और मेहमानों ने पहले दफ्तर का इफ्तिताही फीता काटा और बाद अज़ां उन्हें तकरीब से ख़ताब कर किया। मकर्रीन ने ख़ताब के दौरान कहा, मसूद एडवोकेट और इनके साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ लाए, उन सब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह हमारी छोटी सी मिस कॉल पर तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। सर जनाब राजा मसूद और रहमान एडवोकेट साहब, इनके साथ तशरीफ़ फरमा मजद मेहमान ग्रामी मजीन इलाका और इस चिड़ान धरती के अजीम नौजवानों, मैं सबसे पहले तो आज की इस तकरीब के मजद मेहमान ग्रामी मेहमान खसूसी को यहाँ हमद पर दिल की अथाह गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ हमारे साथ इनके साथ मजद मेहमान तशरीफ़ फरमा लाहौर से राजा रिजवान साहब को भी खुश आमदीद का तौर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इंसान और फिर अशरफुल मखलूकात बनाकर हमें एक अदीम शर्फ बख्शा। मैं इससे मौके पर उम्मीद अफादियों तो इसकी ज़रूरत पर हमने एक तफसीली जायज़ा लिया कि इसकी आने वाले वक्त के हिसाब से ज़रूरत है या नहीं है। इस हवाले से बाग के अंदर हमने एक फोरम का काम किया जिसे बाग एग्रीकल्चर एंड लास्ट आर्ट डिवेलपमेंट फोरम के नाम से मशहूर है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल है जो ज़रात और लास्ट आर्ट से कोसों दूर है, जो हमारे बाप दादा हमें जो इंडस्ट्री देखा। मसूद रहमान एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लायर विंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, राजा अब्दुल कदीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी रहनुमा, राजा आफ्ताब एजाज साहब, राजा इशफाक साहब और इसी तरह सरदेव सुदजाई साहब, हमारे पीर अनवर साहब, राजा असलम साहब, और मैं सबसे पहले यहाँ के उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके शेड्यूल में अपने खेल कूद और ये एक मैच उन्होंने शुरू किया हुआ था और मेरी रिक्वेस्ट पे इन नौजवानों ने बालक नज़री का मुजाहरा करते हुए मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है ना खेल कूद को थोड़ी देर के लिए मैं ये समझता हूँ कि रोका। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने उन तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मेहमान खुसूसी और सदर तकरीब, जिस तरह राजा करीमदाद साहब ने यहाँ पे लाइफ स्टॉक और ज़रात के हवाले से बात की, मैं ये समझता हूँ कि हर इलाके हर गांव में आपका शुक्रिया इस तरह के ऑफिस और इस तरह की जो अवेयरनेस है कि मुझे सदारत दी। हमारे चिड़ान के अंदर 417 हाउस होल्ड है, जितनी खूबसूरत सरजमीन है 417 हाउस होल्ड है, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने खुद कैलकुलेशन की हमारे सक्री साहब का फख्र है कि अगर हम सिर्फ अपनी सब्जी आदमी ने चाहे सिर्फ वो सियासी मैदान हो, सब्जी जो है समाजी मैदान हो, यानी अपने घर से यानी अपनी जमीन से पैदा करें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मंथली हम 12.5 लाख रुपया जो है कम से कम जो है ना हम बजाय जो है ना बाग में देने के बजाय बिरपानी में या गाय में या पंजाब में भेजने के हम वो पैसे बचा सकते हैं। पेश करूंगा साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि सियासी कारकुन सामाजिक कारकुन वो किसी भी इलाके का चेहरा होता है, और यकीनन आपका चेहरा ठीक होगा तो आपका इलाका भी उसी तरीके से बड़ा इसका मजाक उड़ाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात हवाले से है और इंसानों के लिए डॉक्टर भी मौजूद है, मुर्गबानी के हवाले से अगर हम जो छोटी मोटी, लेकिन अल्लाह ताला की इस बेजबान मखलूक के लिए जो आपने किरदार अदा किया, मैं आपकी इस काबिश को सलाम पेश करते हुए राजे तहसीन पेश करूंगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोग जिस इलाके में पाए जाए यकीनन वो किसी नेमत से कम नहीं होते। किसी भी इलाके का सामाजिक कारकुन, किसी भी इलाके का सियासी कारकुन, मैं समझता हूँ कि 1 लाख आपके सरकारी मुलाजमी एक साइड पे होंगे और आपका वो सियासी कारकुन जो है वो सामाजिक कारकुन वो 1 लाख लोगों पे भारी होगा, वजनी होगा। उसकी वजह यह है कि अब्दुल सत्तारी दी आज हमें मौजूद नहीं है, उन्होंने पहला जो चंदा किया था ईदी फाउंडेशन के लिए
लिए उन्होंने एक रुपए से किया था और आज अब्दुल की वेलफेयर सर्विस चल रही है न सिर्फ आजाद कश्मीर में बल्कि पंजाब में राजस्थान में पूरे वो सर्विसेज चल रही है और सदका जारिया हम सब ने कुछ अरसे बाद यहाँ पे दारे फानी से पूछ कर जाना है। कल हमारे दरमियान के नसीन सब मौजूद थे, आज नहीं है और कल हमने नहीं होना और हमारे जो अच्छे और नेक काम होंगे वो हमारे लिए हमारे साले सवाब का जरिया बनेंगे और जो हमारे और मामला है उसके लिए फिर हमें तैयार भी रहना चाहिए। मैं मसूद अडवोकेट साहब को आज प्रोग्राम में इसमें खुश आमदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे एक इंकलाबी प्रोग्राम में शिरकत करके ना सिर्फ इस इलाके की और ना सिर्फ अब्दुल करीम साहब की हौसला अफजाई की बल्कि मुझे भी खुशी है इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ और मैं समझता हूँ कि हम अगर आप देख लीजिए उलमा इकराम भी यहाँ पे मौजूद होंगे कि बंजर जमीन बद्दुआ देती है। कल हमारी इन्हीं जमीनों में 60 मन 70 मन मकई और इसी तरह 35-40 मन जो है वो गंदम हुआ करती थी, आज मुर्गबानी हमने छोड़ दी और ये अंडा जो आपके पास आज आ रहा है प्लास्टिक का अंडा जो पाकिस्तान से आ रहा है पंजाब से आ रहा है कहीं और से आ रहा है ये अंडा ये 2019 का हम खा रहे हैं। 2019 की गर्मियों का जो अंडा होता है वो उसको सस्ते में सस्ता जब होगा तो उसका कोल्ड स्टोरेज कर लिया जाता है और वो 2020 में सर्दियों में आपके पास आएगा और वो पूरा साल चलता रहेगा। इसी तरह जो मुर्गियां हमारी और इसके साथ साथ जो हाल हमने खा के जो लोग कैंसर पेशेंट जमीन है हमारे गांव में तकरीबन जो है वो 25-30 लोग इस कैंसर जैसे मुर्गी मर्ज का शिकार हो गए। जब पूछा गया कि हुआ क्या डॉक्टर से राय ली आदमी ने मायरीन से पूछा तो खुराक हमारे मसाला जात हमारे कोल्ड ड्रिंक चाहे वो हमारी कोई चीज भी हमारी वो मसनू है हमारी पूरे पाकिस्तान जो है वो पूरे आजाद कश्मीर में हम दूर जब हट गए तो हमारे पास कोई चीज नहीं रही है। मैं अवाम इलाका से भी गुजारिश करूंगा और खास कर सबसे पहले गुजारिश करूंगा इस सबका जारिया में इस कारे खैर में मुबारकबाद पेश करूंगा करीम दास साहब समझता हूं कि इस कारे खैर में वो अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए इस शोबे को थोप में कीनियाबाद में भुट्टी में और दीगर जो है ना इलाकों तक वो इसको जारी रखें ताकि इलाके के बहुत सारे लोगों को लोग भी इससे मुस्तफीद हों। और मैं आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा जिस तरह अब्दुल करीम साहब ने बात चलाई कि अब इलेक्शन मखलूक के लिए सीजन भी आने वाला है हम सब लोग फिर इसके नए ड्रामे के साथ मुख्तलिफ लोग आएंगे खराज तहसीन पेश करूंगा नई टोपी में आपसे उम्मीद करूंगा नई बेस कोट ऐसे लोग लेकिन चार साल जिस शदीद तरीन बुरान से आप गुजरे किसी भी इलाके को देखना है कि आपके लीडर ने इलाके का जो आपका फखर मैं समझता हूँ बाग के अंदर बुलंद रखी जो आपके वकार को समझो नहीं होना दिया और आपको वकार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैंने जब देखा मैं माजी में देखता हूँ तारीख के जरूरी होगा देखता हूँ वजह ये माजी में देखता हूँ सतारी दी आज हमें मौजूद नहीं है और उन्हें पहला जो चंदा दिया था और फिर मौलाना अमीर उज़मान साहब उन्हें एक रुपए से उन्होंने अपने पोते की सपोर्ट नहीं की थी उन्होंने राजा सबीर मरून को वेलफेयर सर्विस चल रही है और हम ना सिर्फ उसके हमारे असेंबली में पाकिस्तान में इसी तरह से पंजाब में राजा लतीफ मरून सिंह फारूक हैदर बलोचिस्तान में चाचा थे पूरे केपी के बारे में आया कि जब चल रही है और मैं समारी के करीब करीब मरहले में थे हम सब ने अपने गांव के से बात बुलाया इस तारे फानी से अब मैं पूछ कर जाना है मेरी सास है हमारे दरमियान फैसला कर लीजिए मौजूद थे तो अवाम इलाके ने और कल राजा ने जान मरहूम का नाम जो अच्छे तो और नए काम उन्होंने ये कहा कि नहीं हमारे ये सारे सवाब का जरिया बनेंगे आपने मुझे खुश करने के लिए और मामला थे उसके लिए फिर हमें तैयार भी रहना चाहिए। उन्होंने जो फैसला किया उसने कहा कि राजा फारूक हैदर को बुलाओ और उसका नाम पेश करो खुशामदीद कौमों के फैसले बाद पेश करूंगा इलाकों के फैसले ऐसे ऐसे हल्कों के फैसले भी प्रोग्राम में नहीं कर रहा कि आप मुझे नाम किस इलाके की आप अगर यहाँ पे टैलेंट को देखा जाएगी टैलेंट की बात मुझे भी खुशी है आपका मेहमान इस प्रोग्राम में मौजूद है और मैं समझता हूँ कि आपका भाई और आप देख लीजिए उलमा इकराम भी यहाँ पे पंजाब असेंबली के साथ बंजर जमीन बदवा देती है वजीर हमारी जमीन में 60 मन 70 मन टैलेंट की कोई कमी नहीं है इसी तरह 45-40 कमी नहीं है वो गुजार हुआ करती थी बार जो आपका इंतखाब हो हमने छोड़ दिया ऐसा बेहतरीन अंडा जो आप होना चाहिए आज आ रहा है प्लास्टिक का हमारी आने वाली नस्ल हमारी आने वाली कौम और माजी के जो तजुर्बात हैं 2019 का हम खा रहे हैं कोई ऐसा डिसीजन करें जो हमारे जो अगले 20-25 साल की उसको आने वाली नस्ल है होगा वो उसका कोल्ड स्टोरेज कर लिया हमारे बड़ों ने और इस पे इंशाल्लाह हम भी सर्दियों में किरदार अदा करेंगे पूरा साल चलता रहेगा के साथ मिलकर इसी तरह सेहत के लिए मुर्गियां भागो हैं और मैं राजा यासीन साहब हमने खा का मर्ज में कैंसर के अलावा भी जितने भी लोग यहां पे तकरीबन वायरस में मुबतला है मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला शिकार हो गए पूछा गया कि हुआ क्या
وہ شفائے کاملہ علی مختلف ماہرین سے پوچھا ایک مرتبہ پھر خراج ہمارے مسالہ جات ہمارے شکریہ ادا کرتے ہوئے ہماری کوئی چیز بھی ہماری وہ مسئلے ہیں ہماری عوام اللہ کا چڑان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سسٹم سے ہم دور جب ہٹ گئے اجازت چاہوں گا کوئی چیز نہیں رہی کہ جب اپنا قافلہ عوام اللہ کا یہ گزارش کروں گا خاص کر عبد الغستار جہاں بارش کا ہے وہیں سے سمے جاریاں میں اے سرکاری کھٹی اب مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے امید ہے خیر میں چشمہ یہیں سے نکلے گا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اس شعبے کو تھوپ میں غنی آباد میں بھٹی میں اور دیگر جو ہے نا علاقوں تک وہ اس کو جاری رکھیں تاکہ علاقے کے بہت سارے لوگوں کو لوگ بھی اس سے مستفید ہوں اور میں آخر میں آپ سب لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ جس طرح عبدالقدیر صاحب نے بات چلائی کہ اب الیکشن کا سیزن بھی آنے والا ہے ہم سب لوگ پھر ایک نئے ڈرامے کے ساتھ مختلف لوگ آئیں گے کہ ہم نے یہ کیا کوئی نئی ٹوپی پہن کے نئی ویسٹ کوٹ پہن کے لیکن چار سال جس شدید ترین بحران سے آپ گزرے آپ نے ماضی کو دیکھنا ہے کہ آپ کے لیڈر نے جو آپ کا فخر اور عزت باغ کے اندر بلند رکھی جو آپ کے وقار کو اس نے مجروح نہیں ہونا دیا اس وقار کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا میں نے جب دیکھا میں ماضی میں دیکھتا ہوں تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتا ہوں ماضی میں دیکھتا ہوں تو مولانا عبداللہ کفل گڑھوی اور ان کے جو آبا اجداد تھے اور پھر مولانا امیر الزمان صاحب کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پوتے کی سپورٹ نہیں کی تھی انہوں نے راجہ سبیل مرحوم کو آگے کیا تھا اور ہم بھرپور طریقے سے ہمارا اسمبلی میں ایک رول پلے رہا اسی طرح سے راجہ لطیف مرحوم جو فاروق حیدر صاحب کے چچا تھے ان کے بارے میں یہ آیا کہ جب وہ بیماری کے قریب ترین مرحلے میں تھے تو انہوں نے اپنے گاؤں کا ایک جرگہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ اب میں آخری میری سانسیں ہیں تو کوئی فیصلہ کر لیجئے تو عوام علاقہ نے راجہ امتیاز مرحوم کا نام پیش کیا تو راجہ لطیف مرحوم نے یہ کہا کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا اور راجہ لطیف مرحوم نے جو فیصلہ کیا اس نے کہا کہ راجہ فاروق حیدر کو بلاؤ اور اس کا نام پیش کرو تو یہ قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ علاقوں کے فیصلے ہوتے ہیں یہ حلقوں کے فیصلے ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے نامزد کریں میں آپ کا اگر یہاں پہ ٹیلنٹ کو دیکھا جائے ٹیلنٹ کی بات اب کروں گا تو آپ کا نوجوان پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہے میں وہاں پہ آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے ساتھ نمائندگی کرتا رہا ہوں آج وہ وزیر ہاؤسنگ ہے ان کے ساتھ نمائندگی کر رہا ہوں اور یہاں پہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے خدا را اب کی بار جو آپ کا انتخاب ہو تو وہ ایک ایسا بہترین انتخاب ہونا چاہیے کہ جس پہ ہماری آنے والی نسل ہماری آنے والی قوم اور ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان سے سیکھتے ہوئے ہم کوئی ایسا ڈیسیژن کریں جو ہماری اگلی 20-25 سال کی جو آنے والی نسل ہے وہ اس پہ فخر کرے کہ ہمارے بڑوں نے اور اس پہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے ہم خورشید صاحب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور میں راجہ یاسین صاحب وہ بھی کرونا کے مرض میں اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے سب کو جو ہے وہ شفائے کاملہ عطا فرمائے میں ایک مرتبہ پھر راجہ ذوالفقار علی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے راجہ عبدالقدیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عوام علاقہ چڑان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا رستہ جہاں سے چاہیں وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے امید ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا وما علینا الا البلا دل کی اتھا گرائیوں سے اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہمارے بزرگ نبردار صاحب بھی آگئے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ یہاں پہ عمر کے اس حصے میں یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ہمارے جو اسٹیج شخصی ہمارا عزیز ذیشان آزاد تو اس نے بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ شعر کا بھی اس نے انتخاب کیا اور اس کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے اس نے پروگرام کو ہینڈل کیا کریم داد صاحب آپ نے یہ جو پروگرام لائف اسٹاک کے حوالے سے اور مرغبانی اور ساری زراعت پہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے سچی بات ہے کہ یہ بہت بڑا آپ کا اقدام ہے یہ بنیادی طور پہ یہ جو کام ہوتا ہے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے این جی اوز کا سیکنڈ مرحلے پہ یہ کام ہوتا ہے یہ بنیادی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ عوام کو لوگوں کو یہ ساری فیسلٹیز وہ جو ہے نا وہ مہیا کریں لیکن بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اور ہماری اس حکومت نے تو اس طرف تو کوئی توجہ نہیں دی لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس کا بنیادی جو منشور ہے جو نظریہ ہے وہ انہوں نے سٹارٹ ہی یہیں سے لیا زراعت کے حوالے سے لیا
फिर उनने लाइफ स्टॉक के हवाले से और ये सारी चीज़ें उनकी उनके मंशूर के अंदर शामिल है। और इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपने जो मिशन जो लेके अब निकले हैं तो हम आज़ाद कश्मीर के जो हमारे सदर हैं साबिक वज़ीर आज़म हैं बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आज भी ज़ुल्फ़िकार साहब से हमारी बात हो रही थी, इंशाल्लाह हम उनको यहाँ पर लाएँगे। और इनको ज़ुल्फ़िकार भाई ने तो दूध की मशीन की बात की है, हम बड़े प्रोजेक्ट जो है ना आपको वफाकी गवर्नमेंट से इस सतह पे हम आपको यहाँ पे चिड़ान के अंदर इंशाल्लाह हम देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो दोस्त जिन्होंने मैच छोड़ा फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हुए, मैं सब सच्ची बात है कि उनका मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसलिए कि मैं भी क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल खेलता रहा हूँ और जब इस तरीके से कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो यकीनन जो प्लेयर होता है तो उसको बड़ी तकलीफ भी होती है और दिल रंजीदा भी होता है। तो ज़ुल्फ़िकार साहब ने उनसे जाके गुजारिश भी की तो उनका जो टाइम या उनके दिल पे जो गुजरी उसके लिए मैं उनसे माजरत भी करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बुनियादी तौर पे ज़रात मुर्गबानी हो या जो खेल का मैदान हो, ये सारा एक ऐसा अमल है कि इससे हमारी सोसाइटी के अंदर एक मुस्बत जो है ना वो पैगाम जाता है, एक हेल्थ जो है ना एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे दोस्त ने करीमदाद ने कहा जी कि हम जो देसी चीज़ें हमने छोड़ दी और बाकी हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो यकीनन जहर है, इसलिए बुनियादी तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर ये ज़रात है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इस अंदाज़ साहब, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो हमारी जो मैशियत थी, जो मेरी फसलें जो मेरे दादा थे और जो मेरी दादी थी उस दौर के अंदर, अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएँ तो हमारी मैशियत जो है वो इसी ज़रात के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई थी। और हमारी जो दादी अम्मा नानी अम्मा या हमारी जो बूढ़ी ख्वातीन थी तो उन्होंने इंसानों पे या अपने बच्चों पे उनकी तवज्जो कम होती थी, उनकी तवज्जो सुबह उठते ही उनकी भैंसों के साथ ज़रात के साथ ज़्यादा वाबस्ता होती थी। उसकी वजह ये थी कि उनकी मैशियत इससे जुड़ी हुई थी। और आज आप जो पाकिस्तान के अंदर आप जो डॉक्टर देख रहे हैं, जो इंजीनियर देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो बड़ा पढ़ा लिखा जो तबका जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है तो हमारी ज़रात से जुड़ा हुआ है। और हमारी सोसाइटी के अंदर मैं उन माओं को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अंडे बेच के मुर्गी और ये सारी जानवर बकरियाँ बेच के अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक मजबूत तौर पे 70-80% लोग जो है ना इसी से उनकी मैशियत उससे वाबस्ता रही है। तो इसलिए करीमदाद साहब और जो चिड़ान के यहाँ के जो लोग हैं जो हम इनके साथ जो दोस्त वर्कर जो काम कर रहे हैं ज़रात के हवाले से, इसलिए मेरा ख़ुद भी एक पसंदीदा ये अमल है, इस हवाले से इनकी हम भरपूर जो है ना वो रहनवाई करेंगे। बाग के अंदर ये काम करना चाहें, छत्तर करना चाहें, रेड बंद करना चाहें, सेरी पीरें करें, पूरे बाग के अंदर करें, इनको हर हवाले से हमारी पार्टी भी सपोर्ट करेगी और हमारी जो वफाक की जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर करेंगी। अभी आप देखें कि एक आलमी वबा ने हमें घेरे में ले लिया और मैंने तजवीज़ दी राजा फारूक अदर को, प्राइम मिनिस्टर को, मैंने उनको एक लेटर भी लिखा, मैंने उन्हें ये कहा कि आपने तो हमारे लोगों को लॉकडाउन के अंदर बंद कर दिया है तो उस लॉकडाउन के अंदर लोग तो ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे, वो सारे एक इब्तदाई जो दिन थे तो सारे लोग अपने अपने घरों में थे, तो उनको मैंने कहा कि अपने जो हमारी जो लोग हैं तो हमारी ज़मीनें मोस्टली जो है ना वो ऐसे खाली पड़ी हुई हैं, बैठी हैं, उसके अंदर कोई हमारे मजमू तौर पर उस तरीके से ज़रात नहीं हो रही है, तो इसमें ये काम करें कि जो ज़रात का आपका महकमा है उसे मुतारर करें, लोगों के पास जाएं, गवर्नमेंट जाए, बीज प्रोवाइड करें, लोग अपनी ज़मीनों को जो है ना वो आबाद करें और उनके 4-6 महीने के लिए उनकी सब्जियां और वो सारी जो चीज़ें हैं वो मुहैया हो सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि ये जो मौजूदा जो हुकूमत है 4 साल के जो दौरानिए में इन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी है ज़रात के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से। अगर तवज्जो देते तो इस्लामिक रिलीफ काम ना करती, गवर्नमेंट आके काम करती, ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी बनती है कि वो आके जो है ना वो प्रोवाइड करते। हमारे हलके का जो MLA है, जो वज़ीर है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस तरीके के जो लोग हैं करीमदाद साहब जैसे लोग उनको जो है ना वो प्रोमोट करते, उनको आगे लेके जाते, उनके ज़रिए करते। अभी एक वो भैंसें जो आई तो जो गवर्नमेंट की तरफ से आई तो हमारी गवर्नमेंट के जो वज़ीर साहब थे MLA साहब थे 10 का तो मुझे पता, उन्होंने इतना ही अपने करीबी अजीज़ों के अंदर बांट दी, 6 उनमें से मेरे गांव के हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस पे रहते हैं, उनके अपने फैमिली के जो मेम्बरान थे उनको 10-10 लाख रुपया या 10-60 लाख रुपया तो उन्होंने एक ही मोहल्ले में और एक ही घर के अंदर जो है ना वो दे दिया। तो ये बुनियादी तौर पर ये बदयंती करप्शन
और अकरवा परवरी जब तक हमारी सोसाइटी के अंदर रहेगा तो उस वक्त तक हम मजबूती तौर पे कौम हम तरक्की नहीं कर सकते, ये हमारा एक अलमी है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि नौजवानों से मेरी गुजारिश ये है कि एक तो ये है कि छोड़ें आप बरादरियों से ज़रा बालातर होकर हम सोचें, आप टबरों से भी अपने आप को बाहर निकालें और यहाँ पर बड़े मुनसफ मजाज और बड़े लोग यहाँ पर चिड़ान के अंदर जो है ना वो पैदा हुए। मेरे वालिद मोहतरम के इस्मदाद साहब भी साथ ही रहे हैं, मुंशी मीर जमान साहब रहे हैं, थनदार कासम साहब रहे हैं, नंबरदार शीर साहब रहे हैं, हर इलाके के अंदर जो है ना लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं और बरादरी ख़ानदान के अंदर से दूसरे कबाइल के भी यहाँ पे लोग हैं। इसलिए कि हमें बरादरियों से भी थोड़ा बालातर होकर और नौजवानों से मेरी गुजारिश होगी कि बुनियादी तौर पर हमें अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, इस मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए, मेरिट के निज़ाम की बहाली के लिए हमें नौजवानों को मिलकर एक बड़ा किरदार अदा करना चाहिए और साफ और शफाफ। और नौजवान जो होते हैं वो मुल्कों की, रियासतों की, हुकूमतों की भी वो तकदीर जो है ना वो बदलते हैं और कोई चीज़ नौजवानों के लिए वो नामुमकिन नहीं होती है कि वो किसी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो निकलें तो वो हासिल ना कर सकें। ये देखें ये सड़क जो है ना वो हमारे करल नसीम और अल्लाह पाक उनकी मफरत फरमाए, आज उन्होंने वो ये सड़क हमें दी तो आज हम इजीली आपके साथ आके जो है ना हम गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए और उनकी वफात से यकीनन बाग के अंदर एक सियासी खला पैदा हो गया और बाकी जो सियासत का तवाज़न था वो बिगड़ गया। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमारा जो हल्के के जो MLA का जो या वज़ीर साहब का जो फेलियर है वो बहुत बड़ा फेलियर ये है कि वन साइडेड हो गई सारी चीज़, बाकी सियासत वन साइडेड हो गई, तवाज़न वो जो है ना बिगड़ गया, वो अपना भी कुछ ना कर सका, हमारे लोगों का भी कुछ नहीं वो कर सका। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि कर्नल नसीम साहब की वफात के बाद एक बड़ा खला पैदा हुआ, हम एक ऐसी सूरत हाल के अंदर आए, राजा खुर्शीद साहब आ गए, हम उनके साथ खड़े हो गए, उनके लिए दुआ गोए हैं, वो उनकी भी सेहत जो है ना वो ख़राब है, अल्लाह ताला उनको भी से शफाए कामला दे। कोरोना के अंदर जितने भी लोग हैं, राजा यसीन साहब हैं, मुश्ताक नाज साहब को भी वो कोरोना हुआ है, उनके लिए भी हम दुआ गोए हैं सेहत के लिए कि अल्लाह पाक उनको भी जो है ना सेहत और सलामती वो सारी चीज़ें रखें। लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि हमें अपने हकूक़ के लिए, अपने हक के लिए हमें निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। आप देखेंगे कितनी बड़ी बदकिस्मती है बाग के लोगों के साथ, 5 लाख की तो आबादी है हमारी, ज़रा इस पे भी सोचें। नौजवान दोस्त जो है ना उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पे तो सोचें कि वो 5 लाख की आबादी है हमारी और एक टेस्टिंग लैब हमारे पास मौजूद नहीं है। दुल्फ़कार साहब आपने टेस्टिंग दूध की बात की, वो मैं मशीन मुहैया कर दूँगा, वो जो है ना चिड़ान वालों के लिए करिंदा साहब आपको वो मिलेगी। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि 5 लाख की आबादी है कि बाग के अंदर जो टेस्टिंग लैब होनी चाहिए कोरोना की वो नहीं है। हम बाग के लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि दो वज़रा हैं हमारे और एक हमारे काबिल एहतराम तराबी साहब असम्बली मेंबर भी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, एक वो भी ताकतवर पोजीशन पे बैठे हुए हैं और सरदार अतीक साहब साबिक वज़ीर आज़म वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें वो कोरोना की जो है ना वो टेस्टिंग लैब हमें वो मैसर नहीं है। यहाँ से जब जाते हैं रावलाकोट हमारे जब टेस्ट जाते हैं एक दिन के अंदर 60 होते हैं या 70 होते हैं तो 3 दिन तो उधर पहुँचते हुए लगते हैं। जब रावलाकोट का ख़त्म होगा फिर अजीरे का नंबर आएगा, फिर पलंदरी का आएगा, फिर कोटे का आएगा, फिर दिरकोट का, उसके बाद हमारा बाग का नंबर आएगा। ये 10 दिन तो आप मुझे ये बताएं कि उस टेस्टिंग लैब के अंदर लग जाते हैं। एक रेड वन के आज़ाद साहब फोत हो गए, उन्होंने कहा जी कि वो टेस्टिंग वो इसकी जो है ना कोरोना है शुबे की बुनियाद पर, इसी बुनियाद पर उनकी तदफीन भी हो गई। तो वो उनका जो है ना टेस्ट उन्होंने भेजा तो टेस्ट जो कहा तो उन्होंने कहा कि वापस रिपीट करें। वो रिपीट कैसे करें, बंदा ही कब्र के अंदर चला गया, कब्र से अब कैसे उसको निकाल के जो है ना वो रिपीट किया जाए। अब 15-20 दिन तो रेड वन, बीरपानी, चिड़ान, इधर जितने भी लोग थे तो उस कैफियत के अंदर तो इंसान चला जाता है कि भाई कोरोना है नहीं है, कितने लोगों ने शिरकत की है जनाजे में, फैमिली मेम्बरान जितने हैं, तो इंतज़ामिया का इनका जो है ना फेलियर है। आज आप बाग के अंदर हर दफ्तर के अंदर जाएँ करप्शन जो है ना इतनी ज़्यादा है कि मुँह मांगे जो है ना दामों वो जो है ना वो पैसे ले रहे हैं। ये इशफाक साहब मौजूद हैं, ये मुझे जो है ना वो बता रहे थे कि ये जो पिंजरे के वाले जो हमारे भाई मजदूर तबके के जो लोग हैं जो मन डेढ़ मन जो मुर्गा वो बेचते हैं और उनका जो वेस्ट होता है वो जो बाहर होता है तो वो वहाँ से जो है ना वो पहले तो वो बेचारा जो ताजर था जो 200-400 रुपया कमाता था
तो वो जो है ना आगे 100-200 रुपए में वो बेच देता था, उसकी दिहाड़ी बन जाती थी। अब बल्दिया ने ये किया है कि एक ठेकेदार को उनके ऊपर कर दिया है, ठेकेदार जो है ना उन्होंने एक हायर कर दिया है और वो जो है ना दुकानदारों से ज़बरदस्ती जो है ना मुफ्त लेके जाता है और खुद जाके बेचता है, और जो है ना 2-4 बंदे हैं जो है ना वो पैसे जो है ना हड़प कर रहे हैं। इसलिए ये एक जुल्म है, ज्यादती हर 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 ऑफिस के अंदर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। एक बात थी फारूक अदर साहब की कि उन्होंने जो PSC ये NTS का किया, लेकिन इसमदार साहब गुजारिश ये है कि NTS बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रा वकील भी हूँ, ला का तालब इलम भी हूँ, तारीख का भी हूँ, सियासत का भी जो है ना वो तालब इलम हूँ छोटा सा, लेकिन गुजारिश ये है कि NTS भी कोई 100% को फेयर चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते थे कि 70%, 80%, 90% एक बेहतरी हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया अंदरून खाना पिछले को 2-3 माह से जो है ना, अब अपनी पसंद के मुताबिक जो है ना वो अपॉइंटमेंट है वो जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये जुल्म है, ज्यादती है, और मेरिट की बुनियाद पे कोई लगे सर, हमारी पार्टी का लगे, किसी और जमात का लगे, इसी रियासत का शहरी है, मेरिट पे जो भी हमारा दोस्त नौजवान आए उसका राइट बनता है कि वो आना चाहिए, उसके लिए हमें जो है ना जद्दोजहद करनी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के VN के मुताबिक हम आज़ाद कश्मीर के अंदर आपके पास फिर भी हाज़िर होंगे, हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है PTI के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान हमारा लीडर है, आज़ाद कश्मीर के अंदर बहरसुल सुल्तान महमूद चौधरी हमारा लीडर है। साल के बाद पता नहीं कोरोना से कौन कौन बचेगा, तो किसने इलेक्शन लड़ना है और क्या करना है, इसलिए कि कर्नल साहब मेरे घर बैठे हुए थे 8 बजे 11 बजे मुझे कॉल आई कि उनकी डेथ हो गई है। इसलिए ये ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी और मौत मेरे रब के इख्तियार में है, लेकिन जब तक हमें ज़िंदगी मिली है तो हम इज़्ज़त के साथ जिए, वक़ार के साथ जिए, और अपने हक के लिए जो है ना वो लड़के जिए। इसलिए मेरे आप तमाम जितने भी दोस्त नौजवान हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बिला तख़सीस जमातों से भी आप बाहर निकल के जो हमारे मजमू अवामी जो मफादात है, फ़र्ज़ करते हैं आपकी जो रोड मैंने देखी आगे उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, उस पर सारे लोग जो है ना हमारे दोस्त वो उठ खड़े हों, और बाकी अंदर जो जुल्म हो रही है, जो ज़्यादती हो रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है थानों के अंदर, बरकियात के अंदर, महकमा माल के अंदर, हर जगह पे जो है ना हेल्थ के अंदर, और बदकिस्मती ये कि एक उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है आर्ट का हॉस्पिटल, सारे लोग यहाँ पे आप आर्ट के अस्पताल के अंदर आप लोग जाते रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑफिसर वार्ड के अंदर जो है ना कह रहे हैं जी कि हमने आर्ट का अस्पताल बना दिया है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, आर्ट के अस्पताल ऑफिसर वार्ड के अंदर नहीं बना करते हैं, उनके लिए फ़ंड एलोकेट किए जाते हैं, उनके लिए कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, और ये मजाक जो है ना हमारे साथ जो है ना वो बंद होना चाहिए। मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, तमाम दोस्तों का, नौजवानों का, खिलाड़ियों का, सारे यहाँ के मेरे जो इंतज़ामी जो दोस्त थे हमारे भाई राया जुल्फ़ार अली साहब आपका और राजा करिंदा साहब आपका स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक अरेंज किया, तो आपका जो मिशन है उस मिशन को हम लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो उनको जो है ना वो उस हवाले से आपने एक बड़ा जो है ना वो अपना किरदार अदा किया है। तो हमारे राजा खुर्शीद साहब वो भी बीमार है, राय यसीन साहब भी हैं, उनकी सेहत याबी के लिए भी इसमदार साहब आप सारे जो है ना वो दुआ भी करेंगे। हाफिज़ साहब उन